हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से आज आपके सामने एक नया वीडियो प्रस्तुत करूंगा। आज हम बात करेंगे मेनिस्कस रूट टेयर्स के बारे में। मेनिस्कस रूट टेयर्स क्या होता है और उसकी वजह से होने वाली परेशानियां और आर्थराइटिस, जो मेनिस्कस रूट टेयर अगर हो जाए तो आर्थराइटिस कितना जल्दी हो जाता है और कैसे अपना नी या घुटना जितना जल्दी बहुत जल्दी जल्दी डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है और पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेसिकली मेनिस्कस क्या होता है, मेनिस्कस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर है ये मेनिस्कस है। ये घुटने की शॉक एब्जॉर्बर है और ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है जो घुटनों में प्रेशर फ्री करती है और घुटनों की कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करती है। अब जो मेनिस्कस होती है, ये मेनिस्कस का अटैचमेंट या ये जो चीज़ है ये दो पिलर्स पे टिकी हुई है। एक आगे वाला पिलर होता है जो इस जगह पे होता है और एक पीछे वाला पिलर होता है जो इस जगह पे होता है, पीछे के साइड में, है ना। तो इसको हम कहते हैं रूट्स, है ना। रूट्स मतलब जड़े। जैसे हमारी ये बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग खड़ी है, ये हमारे बिल्डिंग की जो पिलर्स है ये नीचे पिलर्स की वजह से खड़ी है। अगर हमारे पिलर्स वीक हो जाए या पिलर्स में प्रॉब्लम हो तो बिल्डिंग धस जाएगी। तो वैसे ही जो मेनिस्कस है वो मेनिस्कस ये रूट्स पे टिके हुए हैं। एक एंटीरियर रूट मतलब आगे वाला रूट और एक पोस्टीरियर रूट या पीछे वाला रूट। तो जब भी हमारा एज हो जाता है, जैसे 45 या 50 इयर्स हो गई, तो हमारे जो मेनिस्कस का जो पानी है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। हमारे जो बॉडी में जैसे हम बुढ़ापन जैसे शुरू हो जाता है, वैसे ही हमारे कार्टिलेज, हमारे मेनिस्कस, उसमें भी थोड़ा सा वीकनेस या उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी या सॉफ्टनेस है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो जो रूट्स होते हैं वो डीजेनरेशन शुरू हो जाते हैं। तो मेनिस्कस पे पहले तो हम रनिंग कर सकते थे, जॉगिंग कर सकते थे, आलती पालती मार के बैठ सकते थे, उकड़ू बैठ सकते थे, बट आज एक बार में ऐसा होता है कि कभी हम आलती पालती मार के बहुत बारी बैठे या कोई डांस कर रहे हैं, स्पेशली 45-50 ईयर्स के बाद एंड इन फीमेल्स ये जो सिम्टम होता है ये बहुत कॉमन होना शुरू हो जाता है। ऐसा आलती पालती मार के अचानक उठने के बाद में इतना सिवियर पेन होता है कि आपके खड़े ही नहीं हो जाता है और एक आवाज़ भी आती है कभी कभी पॉपिंग की, कोई चीज़ टूट गई अंदर से, आपको पता चल रहा है कि कुछ तो टूट गया है। अब आप पैर पे वजन दे ही नहीं सकते हो, आपको कंटिन्यू सोना पड़ रहा है। एक दो दिन चार दिन दवाई ले ली, रेस्ट ले लिया, फिर थोड़ा थोड़ा आप लिम करके चलते हो और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर आप धीरे धीरे करके नॉर्मल चलना शुरू करते हो, बट जो पेन है वो आपका धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो उस टाइम पे जब आप आलती मालती मार के उठे हुए डांस कर रहे थे, 50 साल की उम्र की बात कर रहे हो, पहले में ये सिम्टम कम होते हैं, ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि मेनिस्कस के रूट्स या पिलर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो रूट्स वीक हो जाते हैं तो वो फटना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही ये फट जाते हैं तो ये मेनिस्कस जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आप सोचो कि आपने कोई टेंट बनाया हुआ है, तो टेंट जब बनाते हैं तो हम दो तंबू लगाते हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, तो ये जो तंबू है ये ही हमारे टेंट को पकड़े रखे। अगर कोई भी एक तंबू निकल जाए तो हमारा टेंट गिर जाएगा। तो वैसे ही जैसे ही हमारा एक रूट टूट गया, जब हम ये करते हैं इंजरी हो जाती है, हमारा एक रूट टूट जाता है तो ये मेनिस्कस काम नहीं करता है। तो प्रैक्टिकली आप बिना मेनिस्कस के चल रहे हो या बिना शॉक एब्जॉर्बर के चल रहे हो, हमारे स्टडीज में, बायोमैकेनिकल स्टडीज में कहते हैं कि अगर रूट टेयर हो जाता है मेनिस्कस का तो आपके घुटने पे प्रेशर जो है वो 500 टाइम्स बढ़ जाता है। 500, सो जैसे आप नॉर्मली चल रहे हो उससे 500 गुना ज़्यादा घुटने में प्रेशर लेके आप चल रहे हो। तो जो आर्थराइटिस की जो सीमा है, जो हमारे 70-80 ईयर्स में नेचुरली होनी चाहिए थी, वो आपकी 2 या 3 साल में बिल्कुल खराब हो जाएगा घुटना। तो 55 ईयर्स में तो बिल्कुल घुटने अच्छे थे और 57 या 60 ईयर्स तक आपके घुटने पूरे खराब हो जाएंगे। तो इतना फास्ट प्रोग्रेशन होता है। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसको स्टार्टिंग के टाइम पे आपको डायग्नोसिस कराना, प्रॉपर स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से रीवैल्यूएशन कराना, उसको आपको दिखाना कि भाई ये रूट टेयर तो नहीं है। और रूट टेयर अगर डायग्नोसिस हो जाए तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम दूरबीन से छोटे चीरे लगा के इस जगह पे, जैसे हमने ये रूट फटा है तो इस रूट को हम दूरबीन से अंदर जाते हैं, इस मेनिस्कस को बाइट करते हैं थ्रेड से और यहाँ से होल बनाते हैं और यहाँ पे इसको पुल करके यहाँ पे एक बटन लगा के इसको फिक्स करते हैं, है ना। तो ये रूट जो है ओरिजिनल आपकी जो हड्डी थी उस हड्डी में जाके चिपक जाती है और उसका जो हीलिंग है वो हो जाता है और मेनिस्कस का रिपेयर हो जाता है। तो ये जो मेनिस्कस है फिर से काम करना शुरू हो जाता है। बट अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने ये मेनिस्कस को रिपेयर नहीं कराया तो ये मेनिस्कस बाहर आ जाएगा और कार्टिलेज कार्टिलेज पे या हड्डी हड्डी पे टकराएगी
और ये जो डैमेज है ये कार्टिलेज की परत पूरी खराब हो जाएगी और आर्थराइटिस बहुत सीवियर हो जाएगा। तो फिर हमारे को आर्थरोस्कोपी करो या ये करो उससे फ़ायदा नहीं होगा, फिर हमको रिप्लेसमेंट पे जाना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट से बचना है तो मेनिस्कस रूट रिपेयर कराना ज़रूरी है और इसको ठीक कराना ज़रूरी है, तभी हम आगे जाके अपनी लाइफस्टाइल ठीक रख पाएंगे। और जो रिप्लेसमेंट है जो 55 या 60 ईयर्स में होता है वो आपका लेट या नेचुरली डिजेनरेटिव कंडीशन है 70 ईयर्स में तब होगा। तो डेफिनेटली आप रूट टेयर्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें। आपके मेनिस्कस में रूट टेयर्स आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली भी, रेडियोलॉजिकली भी बहुत अच्छे MRIs चाहिए। MRIs में ही पकड़ में आएगा और MRI में अच्छा जो रिपोर्टिंग करने वाला हो या अच्छा जो MRI का सेंटर हो उसी से उसका रिपोर्टिंग होगा, क्योंकि इसकी जागरूकता बहुत कम है। वही चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं कि इसकी जागरूकता कराए और आपको पता करे कि भाई ये रिप्लेसमेंट से कैसे बचे। बहुत बारी पेशेंट बोलते हैं सर हमको घुटना नहीं बदली करवाना, प्लीज़ बदली मत कराओ। तो प्लीज़ आप रूट टेयर्स को इग्नोर मत करो, और रूट टेयर्स अगर आप इग्नोर नहीं करोगे तो रिप्लेसमेंट भी आपकी खींचने की संभावना है और उसको ठीक करने की हमारी बिल्कुल कोशिश रहेगी। आगे जाके इसकी हीलिंग मेनिस्कस की जब रिपेयर हो जाएगी उसके बाद में एक्सरसाइजेस कुछ महीने तक रहेगी, 3-6 महीने, उसके बाद में आपका घुटना बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक करोगे। आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें कि आपको और क्या दिक्कतें हो रही है, ताकि हम इसको और आपको इम्प्रूवमेंट करें नी या शोल्डर इश्यूज़ के बारे में। थैंक यू सो मच।